एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अभी बज गए हैं सुबह के 10 और अभी मैं घर पे अकेली हूँ और दादी है, हम दो ही घर में हैं। बाकी सारे खेत को गए हैं क्योंकि आजकल खेतों में भी बहुत ज़ोरों शोरों से काम चला है, ऊपर से शादी की तैयारियाँ, बहुत ज़्यादा काम है। तो अभी मैं फ़िलहाल झाड़ू लगा रही थी, तो झाड़ू मैंने लगा दिया है। अब चलते हैं किचन की ओर और खाना बनाते हैं। देखिए धूप भी आ गई है। हेलो, तो मैं अभी बना रही हूँ खाना और खाने में आज बन रहा है वेज पुलाव। तो पिछले कल रात को हमने सिड्डू बनाई थी, तो सिड्डू बहुत ज़्यादा बच गए हैं, काफ़ी सारे बनाए थे, तो उसके साथ के लिए मैं बनाऊँगी वेज पुलाव। और ये देखिए सिड्डू, देखिए बहुत ज़्यादा बचे हैं। और तो अभी मैं फटाफट से वेज पुलाव बनाती हूँ। तो ये मैंने सब्जियाँ काट दी है, ये देखिए। और ये आलू हमारे अपने आलू हैं, तो इनके हम छिलके नहीं निकालते हैं, ये ऐसे ही होते हैं। ये देखिए इसके छिलके इस तरह से निकल जाते हैं। तो फटाफट से बनाती हूँ। तो गाइस पुलाव में मैंने तड़का लगा दिया है और हमारे घर का पेंट भी कंप्लीट हो गया है। पिछले कल सारा पेंट का जो काम था सारा कंप्लीट हो गया है। तो अब शादी के लिए भी 9-10 दिन बचे हैं और अब बस हमें साफ़ सफाई करने को बचती है, तो उसके लिए भी है थोड़े दिन। तो बाकी कपड़े वगैरह धोने हैं, वो तो चलता रहेगा वो काम। बाकी मतलब जो बड़ा बड़ा काम था वो सारा हो गया है, जैसे पेंट वगैरह था और जो बेल रिंग का काम था वो सारा काम कंप्लीट हो चुका है। और शायद 2-4 दिन के बाद दीदी भी आ जाएगी। और तो अभी पुलाव में मेरे तड़का लग गया है, तो अब हम इसको, तो गाइज अभी मेरा खाना रेडी हो गया है, तो मैं खा लेती हूँ खाना क्योंकि मुझे तो भूख आ गई। तो मम्मी वगैरह लेट आएंगे तो उनको बाद में खिलाऊंगी। ये देखिए जी मेरा वेज पुलाव रेडी है। तो ये रहा मेरा खाना। तो अभी सब घर आ गए हैं और सबको खाना भी खिला दिया है मैंने, और अभी सारे रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, तो धूप में तो काम नहीं कर सकते। दिखाती हूँ आप, ये देखिए धूप लगी है बाहर। तो मैं अभी खा रही हूँ मैंगो। तो गाइस ऐसी गर्मियों के मौसम में आम खाने के मजे ही कुछ और है। तो गाइज अभी शाम के 4 बज गए हैं और मैं दिन भर सोई आज क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो मैं नीचे वाले रूम में आके सो गई थी क्योंकि ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी थी किचन में। तो अभी जाके उठी हूँ और मुझे डिनर की तैयारी करनी है। मम्मी वगैरह फिर से खेत चले गए हैं, तो डिनर में आज मैं बनाऊँगी काठों की सब्ज़ी, घर के आगे लगी है। तो चलते हैं और सब्ज़ी तोड़ के ले आते हैं। तो देखिए पेंट करने के बाद घर बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए आपको मैं बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। आओ बच्चों, ये देखिए जी पूरे घर में पेंट हो गया है। और देखिए
देखिए दादी यहाँ पे मेथी को निकाल रहे हैं, इतना मेथी है तो अभी थोड़ा हरा है, अगर सूखा होता तो जल्दी निकल जाता। और आरू तो मैं अभी सब्जी लेके आती हूँ। ये देखिए यहाँ पे बहुत सारी सब्जी लगी है। ये है काठू, ये देखिए इसकी सब्जी हम बनाएंगे आज, बहुत ज़्यादा लगा है यहाँ पे। तो थोड़े दिन के अंदर पैसे भी यहाँ पे हम खाली करने वाले हैं, क्योंकि शादी के लिए ये खेत खाली करना है। तो सब्जी अब तोड़ देते हैं, ये देखिए। तो देखिए सब्जी मैंने निकाल दी है। तो अभी मैंने सब्जी को अच्छे से वॉश कर दिया है और काट भी लिया है, तो इसको मैं चूल्हे के ऊपर रख लेती हूँ पकने के लिए। तब तक मैं बाहर जाती हूँ मंदिर की साइड घूमने, क्योंकि आज मैं पूरा दिन अंदर अंदर ही रही तो बहुत ज़्यादा बोर हो रही हूँ। तो थोड़ी देर टहल के आती हूँ और तब तक मैं सब्जी को चूल्हे के ऊपर चढ़ा के रखूँगी और उतने में सब्जी भी पक जाएगी मेरी। ये लोहे की कढ़ाई में मैंने सब्जी काट ली है, क्योंकि हरी सब्जी हम लोहे की कढ़ाई में ही बनाते हैं। और इसमें डालूंगी अब नमक। तो अभी मैं आई हूँ यहाँ मंदिर के पास, थोड़ी देर यहाँ पे बैठूंगी। तो बच्चे यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रहे हैं, ये देखिए। तो पूरे गांव के बच्चे यहाँ पे छुपन छुपाई खेल रहे हैं, ये देखिए कैसे छुप रहे हैं। अभी मैं जा रही हूँ घर और देखिए दादी जी यहाँ पे फूलों में पानी दे रहे हैं। हेलो, ये ना की नहीं है एक एवेकी ओह कंपा दो बाल दो मैं ये हम ये उत्ता बिन्नी बादे मारे के मुंह से बादे गार बेचा मैं ये छोड़ दा बुरो बुरो चार बिन्नी बादे लगा ला बेच तो अभी हम इतनी अंधेरे में आए हैं पलम खाने, देखिए साथ में शीतल आई है।